स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण आर्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 नाइन्थ क्लास में, बिंदु रेखाएं तथा कोण। बिंदु, बिंदु इसका कोई परिमाण नहीं होता, यह केवल किसी स्थान को प्रकट करता है। इस तरह से रेखाएं, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच छोटी दूरी को सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। यह हमारी सरल रेखा है। वक्र रेखा, यह कहीं भी सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है। इस तरह से वक्र रेखा। समानांतर रेखाएं, ये वे रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी समान होती है और बढ़ाए जाने पर आपस में नहीं मिलती। इस तरह से ये समानांतर रेखाएं हैं। असमानांतर रेखाएं, ये एक दिशा में बढ़ाने पर परस्पर मिल जाती हैं तथा दूसरी ओर बढ़ाने पर फैल जाती है। यहाँ असमानांतर रेखाओं का उदाहरण दिया हुआ है इस तरह। उसके बाद आता है ज्योमेट्री में प्रयोग आने वाली रेखाएं। बारीक रेखा, यह दी हुई रेखा को प्रकट करती है। यहाँ पर बारीक रेखा दी हुई है। बिंदुदार रेखा, यह क्रिया रेखा को प्रकट करती है। यहाँ पर बिंदुदार रेखा दी हुई है। मोटी रेखा, यह क्रिया या उत्तर रेखा को प्रकट करती है। यहाँ हमारी यह रेखा दी हुई है, मोटी रेखा। उसके बाद आता है कोण। दो असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से कोण बनता है। यहाँ पर कोण दिया हुआ है। समकोण, जब एक रेखा दूसरी से 90 अंश पर मिलती है और दो समान कोण बनाती है, वे दोनों कोण समकोण कहलाते हैं। या जो 90 अंश का कोण होता है उसको भी समकोण कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे 90 अंश के कोण बन रहे हैं दोनों तरफ। उसके बाद आता है न्यून कोण, यह समकोण से छोटा कोण होता है, मतलब 90 अंश से कम होता है। उसके बाद है अधिक कोण, यह समकोण से अधिक होता है, 90 अंश से अधिक होता है। उसके बाद आया पुनर्युक्त कोण, 180 अंश से अधिक कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 5 पे लंब, एक सीधी रेखा पर दूसरी खड़ी सीधी रेखा जो पड़ी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हो तो उसको लंब कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो यह हमारी ज्योमेट्री की परिभाषाएं थी। ये ज्योमेट्री के प्रश्न करने से पहले याद करना बहुत ही जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों को भी लॉकडाउन में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।